यहाँ पे तो सब लोग कह रहे हैं कि चाइना की सेना घुसी है और इनकी जो पहले जो ग्रेजिंग लैंड होती थी वो ले गए हैं प्रधानमंत्री जी ने कहा एक इंच जमीन नहीं गई मगर वो सच नहीं है जिस कांग्रेस पार्टी ने हिंदी चीन भाई भाई का माला जबकि 45000 हजार स्क्वायर किलोमीटर भारत माता की धरती को चीन को दे दिया अपने गिरेबान में झाते श्री राहुल गांधी जी का काम है प्रोपेगेंडा करना झूठ बोलना षड्यंत्र करना और देश के वीरों का मनोबल गिराना चीन के हाथ में आप एक प्रोपेगेंडा की मशीनरी क्यों बनते हैं नमस्कार टाइम्स टाइम भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं राहुल गांधी लद्दाख के दौरे पर है बॉर्डर वाले इलाके में जाकर क्या राहुल गांधी सुरक्षा बलों के मनोबल को गिराने का काम कर रहे हैं राहुल गांधी पर चीनी प्रोपेगेंडा की मशीनरी बनने के आरोपों का सच क्या है? क्या है 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 चीन सिर्फ बहाना असल मकसद है राहुल गांधी का मोदी सरकार को निशाने पर लेना यह सवाल इसलिए क्योंकि लद्दाख दौरे पर गए राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है चीन को लेकर राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि लद्दाख में चीनी सेना ने हिंदुस्तान की जमीन हड़प रखी है चीनी सेना ने स्थानीय निवास चीनी सेना ने स्थानीय निवासियों के हवाले से कहा है कि यहाँ के लोग रह रहे हैं चीन की सेना ने उनके चरागाह वाले इलाके में कब्जा किया, किया है ये कहा गया इतना ही नहीं राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक इंच जमीन पर कब्जा नहीं वाली जो बात कही थी वो गलत है सुनिए यहाँ पे तो सब लोग कह रहे हैं कि चाइना की सेना घुसी है और इनकी जो पहले जो ग्रेजिंग लैंड होती थी वो ले गए हैं वहां ये जा नहीं सकते हैं तो यहाँ तो क्लियरली सब लोग कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी ने कहा एक इंच जमीन नहीं गई मगर वो सच नहीं है तो ये यह तो यहाँ आप किसी से भी पूछ लीजिए आपको बता देंगे राहुल गांधी ने चीन के जमीन हड़पने का आरोप लगाया तो बीजेपी ने राहुल गांधी पर पलटवार किया बीजेपी ने कहा कि देश के खिलाफ बोलकर राहुल गांधी चीन के प्रोपेगेंडा की मशीनरी बन चुके हैं इतना ही नहीं बीजेपी ने यह भी कहा कि राहुल गांधी ऐसी बयानबाजी कर ना सिर्फ प्रोपागेंडा फैला रहे बल्कि देश के जाबाज वीरों का अपमान भी कर रहे हैं फितरत बना ली है कि जहां भी जाएंगे वहां भारत विरोधी बात करेंगे ही करेंगे क्या मतलब है इसका क्या कह दिया उन्होंने कि लद्दाख में जमीन चीन के लोगों ने है, राहुल गांधी जी आप गलवान के हमारे सैनिकों के बलिदान और बहादुरी पर साल उठा रहे ना वहां जाकर के भारत को बदनाम क्यों करते हैं और चीन के हाथ में आप एक प्रोपेगेंडा की मशीनरी क्यों बनते हैं श्री राहुल गांधी जी का काम है प्रोपेगेंडा करना झूठ बोलना षड्यंत्र करना और देश के जांबाज वीरों का मनोबल गिराना इस प्रकार की साजिशों में श्री राहुल गांधी जी हमेशा षड्यंत्रकारी की भूमिका में रहते हैं सारी दुनिया जानती है कि भारतीय सेना के जांबाज वीरों ने वो लद्दाख हो या अरुणाचल हो या देश की कोई भी सीमा हो एक मजबूत प्रहरी के नाते से हमेशा हमारे जांबाज वीरों ने देश की रक्षा की है और एक इंच मात्र भूमि में भी दुश्मन की टेढ़ी नजर भी नहीं पड़ने दी पूरा देश अपने जामबाज वीरों के अदम्य साहस शौर्य और पराक्रम की प्रशंसा करता है लेकिन श्री राहुल गांधी जी देश के जांबाज वीरों के विरुद्ध षड्यंत्र करते हैं राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने करारा हमला बोला और कहा कि जिस कांग्रेस ने 45,000 हजार स्क्वायर किलोमीटर जमीन चीन को दे दी वो पहले अपने गिरेबान में झाके चीन भाई भाई का माला जबकि पैतालीस हजार स्क्वायर किलोमीटर भारत माता की धरती को चीन को दे दिया अपने गिरबान में झाके कांग्रेस समेत तमाम विरोधी दलों के आरोपों पर प्रधानमंत्री मोदी पहले ही बोल चुके हैं कि भारत की एक इंच जमीन पर किसी ने कब्जा नहीं किया लेकिन राहुल गांधी पीएम मोदी के बयान को झूठा बता रहे हैं वैसे कांग्रेस पर चीन के साथ साठगांठ के कई बार आरोप भी लगे हैं चीनी राजदूतों से राहुल गांधी की गुपचुप मुलाकात हो या फिर राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा देने की बात हो कांग्रेस पर आरोप लगते रहे हैं और इसकी गूंज जब न तब सुनाई देती है चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की डिबेट आगे बढ़ेगी सेना के पराक्रम पर राहुल गांधी को क्या विश्वास है सवाल यह भी कि चीन तो बहाना असल मकसद पीएम मोदी पर निशाना क्योंकि चुनावों का मौसम है

कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए थे तब भी बोले थे आरोप हर बार एक ये होता है कि चीन ने घुसपैठ किया है चीन हिंदुस्तान की जमीन पर बैठा हुआ है इस बार लद्दाख के हवाले से यारो देखिए चाइना का लेकर चंदा चाइना के साथ जो करे धंधा वो फैला चाइना का प्रोपोगेंडा आईएनसी का मतलब आई नीड चाइनीज मनी और आई नीड चाइनीज एमओयू बन चुका है और इसलिए चीन के नाते सेना का अपमान ये कांग्रेस की पहचान बन चुकी है अरे बताइए बिशंबर जी जैसे सैनिकों ने सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में बताया था डीजीएम लेवल के ऑफिसर ने सर्जिकल स्ट्राइक को क्या बोला है इस राहुल गांधी ने ये खून की दलाली है एयर स्ट्राइक हुई बालाकोट में तो सवाल खड़े कर दिया कि चील कौवे मरे और बताइए सेना की जब बातें कही जाती है तो उस पर यकीन नहीं और इनका इतिहास क्या है क्योंकि आज दो वरिष्ठ हमारे साथ जनरल्स हैं तो उनसे पूछिए सेना की पिटाई का बयान भी राहुल गांधी ने दिया है सेना सरेंडर कर देती है ये भी कहा है जबकि आर्म फोर्सेस ने कहा है, एक इंच जमीन नहीं गई है और इन्होंने क्या किया है अक्साई चीन लगभग चालीस हजार स्क्वायर किलोमीटर 2008 में टियापंगक चाबजी घाटी जोरावर डैमजॉक दो हज़ार नौ में डूमचेली सेक्टर डैमजॉक दो हज़ार बारह में दो हज़ार तेरह में छः सौ इंकर्जन और छः सौ चालीस स्क्वायर किलोमीटर इंकर्जन हुआ था यह श्याम सरन की रिपोर्ट थी अब उनका खुद का इतिहास देख लीजिए और उस समय पर पता है क्या बोलती थी सरकार सरकार का ऑफिशियल बयान सलमान खुर्शीद इंकर्जन एकने की तरह है इसको ऑइंटमेंट से क्योर किया जा सकता है इसको ज्यादा तूल मत दो इन की खबरों को और और भी नहीं आप जैसे पत्रकार जब सवाल उठाते थे तो एफआईआर दर्ज होती थी यह भी मेरे पास न्यूज रिपोर्ट है कि किस प्रकार से एफआईआर दर्ज करते थे उन पत्रकारों पर आज सवाल सिर्फ इतना है कि अक्साई चीन वापस ले लेते ना राहुल गांधी की इतनी सशक्त पॉलिसी थी तो और राहुल गांधी बताए कि क्या उन्होंने आरजीएफ में चंदा लिया है क्या न्यूज क्लिक जिसको चाइना का चंदा मिला है उसकी तरफदारी उन्होंने की है और क्या गलवान में जो हमारे शूरवीरों ने बलवान दिखाया था उस पर सवाल खड़े किए नहीं किए ठीक विवेक बंसल जी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा पैंतालीस हजार स्क्वायर किलोमीटर जमीन दे दी उसका आज तक क्या हुआ प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि एक इंच जमीन नहीं गई भारतीय सेना कह रही है एक इंच जमीन पर कब्जा नहीं है हम अभी भी अपने अधिकार क्षेत्र में पूरी ताकत के साथ काबिज है उसके बावजूद राहुल गांधी को भरोसा नहीं है उसके बावजूद राहुल गांधी जब बाहर जाते हैं तो उन्हें चीन शांति का पक्षधर लगता है जब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए थे तो देखिए अगर किसी वास्तविकता को बयान किया जाए तो उससे यह कह दिया जाए कि साहब कि उन्नीस में पैंतालीस हजार स्क्वायर किलोमीटर जगह गई वो वो वास्तविकता है उसको स्वीकार किया जाता है पर लेकिन उससे कोई सबक भी लेना होता है और सबक लेके तैयारियां उस समय भारत की स्थिति क्या थी सामरिक दृष्टि से देखिए भारत स्वतंत्र हुआ था क्या भारत की आर्थिक स्थिति थी सामरिक स्थिति थी और उस समय कहीं ना कहीं हमने गलती की थी या जो भी का कारण रहा हो पर आज की तारीख में अगर कोई वास्तविकता बयान करता है तो वो सेना का सम्मान सेना का मनोबल गिरा रहा है अगर वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व को आ, मैं विरोधाभास देखता है और उसको उसकी तरफ इशारा करता है तो प्रधानमंत्री जी का अपमान कहा जाता है आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री ने कहा था की एक आप ही के पास सवाल यह है कि हम भरोसा किस पर करेंगे पीएम मोदी दी, के स्टेटमेंट पर इंडियन आर्मी के स्टेटमेंट पर या किसी और के कहने पर भरोसा क्या आप भरोसा नहीं करते है? इंडियन आर्मी कोई स्टेटमेंट हाँ, जारी करती है हाँ, तो हम हाँ, हाँ, सब सब सुनिए को स... इंडियन आर्मी के बहुत सम्मानीय हमारी भारतीय सेना पे हमें गर्व है हमें भारतीय सेना सेना ने कभी कहा कि चीन हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा हुआ चाहे कभी कहा भारतीय सेना ने राकेश जी अरे राकेश जी राकेश जी या तो सुनिए राकेश जी या तो आप बोल लीजिए या मुझे बोलने सर मैं आप, आप ही के पास छोटे छोटे क्रॉस बनेंगे डिबेट में पूछा जाता है सर नहीं 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 आप नहीं है आप नहीं नहीं नहीं, नहीं 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 आप मेरी बात को समाप्त करने दीजिए उसके बाद अगर प्रश्न करेंगे तो ज्यादा औचित्यपूर्ण रहेगा और आप मुझे बोलने नहीं देंगे और मेरी आवाज को दबाना चाहेंगे सिर्फ जोरदार आवाज आवाज से तो वो इस तरीके से, से नहीं, कोई आवाज नहीं दबा रहा कोई आवाज नहीं दबा रहा मैं आपसे ये कहना चाहता हूं हाँ नहीं नहीं आप जब प्रधानमंत्री जी का ये वक्तव्य आया था उसके बाद आपको याद हो हमारे विदेश महान मंत्रालय के प्रवक्ता ने क्या कहा था कि हमारी जो एग्रीमेंट हो गया है जगह पे दोनों सेनाएं वापस चली जाएंगी आपको याद होगा तो वो किस किस ओर इशारा करता था अपने आप में विरोधाभास था कि नहीं तो ये सब चीजें देखिए और फिर जो सैटेलाइट पिक्चर्स आ रही हैं कि जहां जहां उन्होंने उसमें आगे बढ़े हैं और वहां वो कंक्रीट स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं ठीक. उसको कहां ले जाएंगे आप उसकी तरफ भी तो जरा देखिए अच्छा मुझे हमें, मुझे हमें, एक हमें बात बताइए विवेक बंसल जी बंसल जी सर आप आप दो मिनट से करीब करीब बोल रहे हैं आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान ने गलवान के बाद या चीन की चुनौतियों के मद्देनजर गलवान से पहले या गलवान के बाद कोई तैयारी नहीं की नहीं नहीं तैयारी की है पर तैयारी उतनी औचित्यपूर्ण नहीं रही अच्छा लद्दाख में एक छोटा सा सवाल है क्योंकि मैं थोड़ा सा पढ़ रहा था और मैं थोड़ा सा पढ़ लिख कर आता हूं तो मुझे एक चीज बता दीजिए लद्दाख में राहुल गांधी गए हैं लद्दाख में गलवान के बाद कितनी इन्फेंट्री डिवीजन तैनात की गई हैं जी हां गए हैं देखिए अब ये अब आप मुझे ये आप जर्नल्स जो यहाँ पे बैठे हुए हैं जो सामरिक दृष्टि के विशेषज्ञ हैं मैं एक साधारणता जो मूलतः जो चीज नहीं नहीं, नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं ये सवाल बाजी में सर वाजिब है पर ये, ये सवाल आपसे बाजी वाजिब है चीन के सैनिक आकर हमारे सैनिकों को पीट कर चले जाते हैं हमारी तैयारी नहीं है सरकार कुछ कर ही नहीं रही है कौन कौन से टैंक तैयार है न साहब मेरे डिप्लॉयमेंट के जरिए हमने कितना काउंटर जवाब दिया ये ये बातें राहुल गांधी को मालूम होनी चाहिए उनके रिसर्चर्स को उनको ये बातें बतानी चाहिए और अगर नहीं पता है सर और अगर आपको भी नहीं पता है तो ये कमी है तैयारी किया करिए देखिए देखिए नहीं 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 नहीं, नहीं कम, कमी कोई नहीं माफ कीजिएगा इन्फेंट्री डिवीजन कितने होंगे क्या अगर आप किसी प्रवक्ता नहीं नहीं, कि नहीं, नहीं नहीं माफ़ कीजिए मैं आपकी बात से नहीं नहीं माफ कीजिए ये मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि मुझे ये पता होने चाहिए कितने इन्फेंट्री डिविजन है कहां हमारी कमी रही है कहां चूक रही है नहीं सिर्फ आरोप नहीं सुनिए अगर सकारात्मक आलोचना है तो उसे स्वीकार करना चाहिए और उसके उससे कुछ ना कुछ सबक लेते हुए अगर हमारे पास उन्नीस की शिकस्त है तो हमारे पास उन्नीस सौ इकहत्तर पहले तो कांग्रेस के कई नेता मैं आऊंगा शहजाद से, से ये पूछूंगा कांग्रेस के नेता तो स्वीकार ही नहीं करते सर खुले मन से आपने तो आज फिर भी कह दिया कि हाँ ठीक है जमीन दे दी गई इधर उधर झांके लगते हैं जब इतनी जमीन की बातचीत आ जाती है तो नहीं नहीं सुनिए सुनिए कह दीजिए मैं गलत कह रहा हूं नहीं, नहीं नहीं अरे अरे अब, आप चलिए तो स्वीकारा ना मैंने मैं दोनों अपने डिफेंस एक्सपर्ट के पास चला जाऊं उसके बाद शहजाद शहजाद थोड़ी तैयारी के साथ वो भी बैठे हुए हैं जनरल बख्शी क्या हिंद क्या चीन हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा हुआ है जो राहुल गांधी ने कहा लद्दाख में जाकर देखिए चीन ने जो है 2020 के अंदर बहुत ही सरप्राइज जो कोविड की आड़ में घुसपैठ की कोशिश करी थी लेकिन मेरी प्रोफेशनल राय में उसे ईट का जवाब पत्थर से मिला हमने काउंटर मोबिलाइजेशन करी और हमारा जो पूरा स्ट्राइक कोर है वन स्ट्राइक कोर वो वहां हमने पहुंचा दिया है यानी अब हम जब चाहे अगर चीन आज मामले को बढ़ाना चाहता है तो उसके दांत खट्टे किए जा सकते हैं पूर्ण युद्ध में जो छोटी मोटी झड़पें हुई उसके अंदर हमारे जवानों ने जो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में चीन का हाल किया छत्तीस से तो अमेरिकी जो है सोर्सेज बोल रहे थे कि उनके जवान हताहत हुए जो उन्होंने छुपाए और कोई 40 के ऊपर रूसी सोर्स बोल रहे हैं कि उनके जवान हताहत हुए चीन में खबरें हैं कि सौ से ज्यादा हताहत हुए हैं। वो छुपा रहा है ठीक है उसको मुंह की खानी पड़ी है और उल्टे बांस बरेली को पड़ गए सारी जो शौक था युद्ध का वो धीरे धीरे हवा हो गया है चीन के लिए ये बहुत गलत समय है भारत को छेड़ने का क्योंकि ताइवान पे भी उसकी हालत पतली होती जा रही है वहां भी स्थिति गंभीर हो रही है और अगर चीन को लड़ना है तो इस वक्त वो ताइवान की तरफ फोकस करेगा भारतीय सेना पे मुझे पूर्ण विश्वास है अगर हमारे समझ गया मतलब मतलब कोई कब्जा नहीं, नहीं है कोई कब्जा नहीं है बिशंबर दयाल जी फिर राहुल गांधी बार बार क्यों बोलते हैं अफवाहों को नहीं ठीक है बिशंबर दयाल जी फिर राहुल गांधी बार बार क्यों बोलते हैं कि चीन हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा हुआ है और क्या यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि अगर आप बोलते हैं तो यह भी देखना चाहिए कि भारतीय सेना की तैयारियां क्या है क्या मेरा सवाल गलत था कि कितने इन्फेंट्री डिवीजन अकेले लद्दाख में तैनात हुई गलवान के बाद क्या यह नहीं जानकारी होनी चाहिए देखिए कांग्रेस क्या बोलती है भाजपा क्या बोलती है राहुल जी क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री जी क्या बोलते हैं वो तो सारी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं सब इस देश में अपनी पॉलिटिकल छवि चमकाने के लिए बोल रहे हैं और मैं उसका साथ नहीं दे सकता किसी का भी साथ नहीं दे सकता हकीकत यह है कि पांच मई के पांच मई 2020 को जो स्टेटस को चाइना ने डिस्टर्ब किया था जिसका जनरल बख्शी ने भी जिक्र किया और वो स्टेटस कोविड के दौरान उसने किया और हमारी जो भी इंटेजेंसीज थी मैं समझता हूं कहीं ना कहीं उनसे भूल हुई हमने ज्यादा उस पर विश्वास कर लिया कोविड का माहौल था स्टेटस को उसने डिस्टर्ब किया अगर स्टेटस को डिस्टर्ब नहीं किया तो एल का यह सिचुएशन है कि चार साल से ज्यादा वक्त गुजर गया है उन्नीस से ज्यादा मीटिंग्स हो चुकी हैं लेकिन बात काबू में नहीं आ रही अगर बात काबू में नहीं आ रही तो कौन सी बात है जो काबू में नहीं आ रही बात वो है कि चाइना ने 2020 में जहां गलवान में किया था हमारे सैनिकों ने धाड़ जवाब दिया और उसको ठोक पीट के वापस कर दिया पैंग से नॉर्थ में जहां उसको डर था क्योंकि हमने कैलाश रेंज ऑक्यूपाई कर लिया था उसने संधि मानने को तैयार हो गया गोगरा में क्योंकि हम भी डोमिनेट करते थे जिस दिन से हमने कैलाश रेंज से भारतीय सेना को वापस हटा लिया क्यों हटा लिया किसने हटा लिया मैं नहीं समझता जन बख्शी भी इस बात से एग्री करेंगे जिस किसी की बुद्धिजीवी इंसान ने ही हटाया उसने भारत को एक बहुत बड़ी ठेस पहुंचाई जिसका भी डिसीजन है मैं नहीं समझता कोई सैनिक ऐसा डिसीजन ले सकता है उसके बाद क्या है पे... जो पूरा का पूरा जो पूरा का पूरा मुद्दा है वो वहीं का वही है उसका पूरा मकसद शुरू से हम ये कह रहे थे उसका एम डेपसोंग है क्योंकि डेपसॉन्ग प्लेन स्ट्रेटिकली इंपॉर्टेंट है हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है ठीक जो उसने वहां स्टेटस को डिस्टर्ब किया वहां पे तक मिनट अब आप मेरे से सवाल पूछ रहे मेरी पूरी बात सुन लिया मैं बहुत दूर से आया मैंने आपके उसको बोला था भाई मैं इन डिबेट्स में नहीं जाता क्योंकि लोग हमें उल्टी सीधी बीच में बात बोलने लग जाते कुछ हो हमारे बिल्कुल सुनो मैं स्पष्ट बोलो स्पष्ट जो मेरे वर्ड है वो रिकॉर्ड कर लो जो डेपसोंग में हमारे पेट्रोलिंग पॉइंट्स थे क्योंकि वहां पे हमारी एयरफील्ड है उसको चुबन है कि भाई हम लोग अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं और बहुत अच्छा डेवलप कर रहे हैं लेकिन वहां पे आज भी स्टेटस को बरकरार नहीं है जब तक चाइना उस स्टेटस को को बरकरार नहीं करता जब तक चाइना वहां से विड्रॉ नहीं करता जब तक मैं समझता हूं भारत की सरजमी पर

मुझे किसी एमओ ने ब्रीफिंग नहीं दी तो हाँ मैं एक मिनट एक मिनट सुनो भाई हम अपनी फौज पर पूरा विश्वास करते हैं लेकिन ये एक हकीकत है जो कि आप लोगों के बीस बार मीडिया वाले हैं तो सरकार कह दे ये सारे जितने लोग मीडिया में चा... एक मिनट जितने लोग मीडिया में छाप रहे हैं कि डेपसोंग के जो जो पेट्रोलिंग पहुंचते वहां तक चीन हमको नहीं जानता सबको अंदर कर दो यार चीन हिंदुस्तान की जमीन पर है हम उस एरिया में पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहेगा के बाद भी जाऊंगा बारी बार केजा क्या सकते आप सीखने की कोई आवश्यकता नहीं कर रहा राकेश जी

एल पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना है ये स्टेटेड पॉलिसी इन पार्लियामेंट ए के एंटी ने रखी थी आज डी एस डी बी ओ सेवेंटी क्लास रोड थर्टी थ्री ब्रिजेस नाइन टनल टनल भी बना गया है बी आर ओ से साठ हजार किलोमीटर के रस्ते छह सौ तिरानवे ब्रिज हैबिटाड बाईस हजार ट्रूब्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का पुष पूरे नॉर्थ ईस्ट में दो हजार किलोमीटर का हाईवे मैकमोहन लाइन में थ्री इंटर कॉरिडोर हाईवेज ये आज बन रहा है इससे पहले क्यों नहीं बना और जो आपने कहा आखिरी बात मैं पूछना चाहता हूं बाकी तो ये कंफ्लिक्ट है ना कॉन्फ्लिक्ट कि भाई हुआ है नहीं हुआ है पेट्रोलिंग पॉइंट है नहीं है आर्मी कैरी नहीं है हम लोगों ने फिंगर एट के बियॉन्ड इनको पुश किया मैं एक स्पेसिफिक सवाल क्योंकि यहां पर दो ऐसे व्यक्ति खड़े हैं जिन्होंने देश के लिए सेवा दी है हम तो ऐसे ही मुंह मौखिक बोलते हैं ये दोनों ने सेवा दी है कच्चा टीबू याद है कच्चा टीबू तो वन स्क्वायर किलोमीटर था ना सेवेंटी तक किसके पास था और सेवेंटी के बाद किसके पास चला गया चलिए ये तो एक क्वेश्चन मार्क है ना अभी इन्होंने कहा कि सरकार आए क्लैरिफाई करे आर्मी ने तो क्लैरिफाई कर दिया कि कोई ऑक्यूपेशन नहीं है अब मुझे बता दीजिए और मैं इनकी ईमानदारी और नैतिकता पर एक सवाल चिन्ह नहीं उठाता हूं ये कच्चा टीवी जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में था सर ये किसके पास था सेवेंटी तक और किसको दे दिया आप तो डेपसोंग के अलजेंड इंक्लूजन पर इतना बवाल काट रहे थे मैं मैं जवाब जवाब दे करूंगा जवाब देने दीजिए फिर मैं सीधे आपके पास आऊंगा प्लीज प्लीज प्लीजनी है बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है पहले विशंबर जी से जवाब फिर मैं बंसल जी और फिर एक मिनट एक मिनट मैं साहब यहां क्लियर कट डिबेट के लिए आया अच्छा डिबेट एक मिनट मैं आपके साथ डिबेट करने नहीं आया हाँ। मैं आपके साथ गोवा में क्या हुआ था कच्चा तिबू में क्या हुआ श्रीलंका में क्या हुआ भारत की जमीन है ना एक मिनट एक मिनट भारत की जमीन थी ना मैं अगर मुझे उस मुद्दे पे बुलाओगे मैं बुलाऊंगा मैं बोलू भारत की जमीन एक का एक टुकड़ा दे दो इंच भी, एक इंच भी जाएगा जो कितना गया मैं देखिए साहब मैं यहाँ ये कहने नहीं आया हूँ की अड़तीस हजार मैं अड़ता अड़तीस हजार किलोमीटर अक्षाई चेन में चला गया मैं उसका हिसाब मांगने नहीं आया हूँ ठीक है ना मैं स्पष्ट सवाल अभी आपने, आपने कहा कि जो भी उस हाइट से उतरा वो देशद्रोही था कच्चा मैंने किसी वाला देश था? बिल्कुल मेरा मानना ये है देने वाला कौन बिल्कुल, था? बिल्कुल मेरा मानना ये है।, है जब एक, एक तिबू को देने वाला तो वो भी देशद्रोही था उसको भी मारो को नहीं वो तो कंफर्म मारो मारो मरो उसको देखो आप जाओ ना मैं क्यों कहूँ आप, आप देशद्रोही वो लोग हैं देशद्रोही वो लोग हैं जो देश को गुमराह कर रहे हैं और जो जबकि वो अंदर बैठ अरे साहब देश को एक भाषा बोलने दीजिए इस मुल्क को एक भाषा बोलने दीजिए चाइना को मैसेज दीजिए गेट बैक और डोंट कम बिल्कुल दीजिए बिल्कुल ठीक है

2009 में 2009 में बिफिटिंग रिप्लाई चाइना को दिया गया था जहां तक आप आपको इसका संज्ञान लेना चाहिए और 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 दो समय दो दो समय, समय पर लिया गया है माफ कीजिएगा चाहे चाइना हो पाकिस्तान हो उन्नीस के बाद मुंहतोड़ जवाब दिया गया है उन्नीस सौ बासठ कहीं ना कहीं हमारे देश की जहां कुछ उसमें बता देंगे जनरल बख्शी आपको जी जी चौहत्तर का क्या अच्छा बख्शी साहब आप इधर रुक जाइए बंसल जी वो मैं आपको बेहतर समझवा देता हूं फिर आता हूं फिर आता हूं ये ये कच्चा टीबू चौहत्तर की बात क्या है बख्शी साहब जरा बताइए बंसल साहब को देखिए एक मिनट मैं आपको कहना चाहता हूं कि जहां तक चीन का सवाल है हमारी फौज ने जो रिएक्शन किया था चीन के के जो इंट्रूजन के बाद अटेम्प्टेड इंट्रूजन के बाद मैं समझता हूं फौजी तौर से वो बहुत मुफीद था सबसे अच्छा उसका जो हमने देखा जैसे अभी बिशंबर ने बोला है वो जो हमने काउंटर इंट्रूजन की थी कैलाश रेंज की तरफ और उसके जो डिविजनल हेडक्वार्टर को हमने डोमिनेट किया था उसको पकड़ लिया था चीन के माथे पे पसीने आ गए थे लेकिन हमें एक पृथ्वीराज सिंड्रोम है कि हम जो है दुश्मन को बड़ी जल्दी नरम ठीक ये, ये है है बख्शी साहब कह रहे हैं वक्त थोड़ा कम माफी के आगे आगे साथ सर मैं रोक रहा हूं। और जो बातें विशंबर तो तो दयाल जी ने थोड़ी देर पहले कही थी कि पॉलिटिकल एलिगेशन पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो क्या राहुल गांधी के इस बयान को सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट मान लिया जाए और इसलिए कि इस साल के आखिर में चुनाव है इसलिए कि अगले साल के शुरू में चुनाव है देश में दे आम दे चुनाव है तो क्या इसका फायदा मिलेगा यह वक्त तय करेगा फिलहाल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया